ये है बच्चों ड्यूल नेचर मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम एक्सपेरिमेंटल जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको लेक्चर 1 में, कि 1905 में कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए थे और कुछ इक्वेशंस हमारी बनाई गई थी। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा और हमने कैसे चीजों को बोला, तो वो बात करेंगे आज हम एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस लेक्चर में। जी हाँ बच्चों, आज हम एक्सपेरिमेंटल बातों के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त समय अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितनी बातों को इसमें ऑब्जर्व करा। सबसे पहले बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल का सरफेस लेते हैं, तो ये ग्रीन कलर का एक मेटल का सरफेस है, इस पे मैं लाइट मतलब रेडिएशन अभी फेंकूंगा, इसको दूंगा मैं रेडिएशन, इसलिए मैंने ऊपर से खाली जगह रखी हुई है बच्चों। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एक खाली सा ट्यूब है, ये खाली सा ट्यूब है जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में बच्चों वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब, इसके पीछे रीजन होता है वैक्यूम ट्यूब का, मैं भी आपको बताऊंगा कि वैक्यूम ट्यूब ही क्यों लिया जा रहा है। तो बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरह के प्रोसेस को बच्चों यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर बच्चों आज हम रेडिएशन को इल्यूमिनेट करेंगे, मतलब आज हम रेडिएशन को इसके ऊपर डालेंगे। और आप सबको पता है कि जैसे हम रेडिएशन को इसके ऊपर फेंकेंगे तो बदले में इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने पहले के भी लेक्चर्स में देखा है। और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ सामने वाली मेटल की प्लेट पे जाने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जाके बच्चों ये कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको कलेक्टर भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, एमिटर कहेंगे इस प्लेट को, क्योंकि ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, जो एमिट करती है वो एमिटर, और ये यहां जाके कलेक्ट हो जाएंगे इसलिए कलेक्टर। वैसे बच्चों ऐसी प्लेट को एक और नाम कहते हैं हम लोग, एक आपने सुना होगा कैथोड और एनोड, तो आज इन प्लेटों को हम लोग कैथोड और एनोड भी कह सकते हैं बच्चों की एनोडिक प्लेट है ये कैथोड की। तो यहाँ पे कुछ मैंने बच्चों पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इन पॉइंट्स के अंदर कैसे लिखा गया है चीजों को, आप इसे ध्यान से यहाँ पे फोकस करें जो पहले मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों सबसे पहली बात, आप एक बात समझना कि हम लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है कि ये रेडिएशन है, ये लाइट वेव है, ये रेडिएशन है जो आ रही है, और रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इन रेडिएशन में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, और इन पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, आप इस बात को अच्छे से नोट कर लेना जो मैं आपको बोल रहा हूं, कि एक फोटोन ऐसा नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा या 10 को निकाल देगा या 50 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मेरे प्यारे बच्चों एक फोटोन जब गिरेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब यहां पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 फोटोन इस मेटल पर गिरे होंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकले भी होंगे। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ये बोला गया कि एक फोटोन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं कम्स आउट, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो आपको एक ही फोटोन चाहिए। ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कहीं आप कभी गलती कर दो कि एक फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, क्लियर। अब आगे बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये देखा कि हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे। पहले हम आपको यहाँ पर एक बैटरी दिख रही होगी, ये निशान वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ,
इसकी वैल्यू मैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 17 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, तो इस बैटरी की मैं वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए इस पर ऐसा निशान है, क्योंकि ये बैटरी मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को बदला जा सकता है। ये एमीटर है जो कि करंट को नापेगा कि इस वक्त सर्किट में कितना करंट है, तो ये आपका एक करंट नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एमीटर कहते हैं, और इस सर्किट में बाकी कुछ भी नहीं। तो बच्चों हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जैसे ही इस पर फोटोन आते हैं वैसे ही मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देगा, और हमने ये देखा कि अगर मान लो कि ये मेरा एनोड है, एनोड का मतलब है मैं इसका एब्रीवेशन इस्तेमाल करूंगा यहां पर ए, ए मींस एनोड, सी मींस कैथोड, तो ए रिप्रेजेंट यहां पर एनोड और सी रिप्रेजेंट यहां पर कैथोड, क्लियर। तो बच्चों हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हम इस प्लेट को पॉजिटिव करें और इसको नेगेटिव, मतलब ए अगर पॉजिटिव है इसके हिसाब से ये नेगेटिव होगा, तो अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो मेरे प्यारे बच्चों बस मुझे ये सोच के बताओ कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव हुई तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आपको भी पता है अट्रैक्ट होता चले जाएगा, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोबारा सुनो कि अगर ये प्लेट अगर पॉजिटिव हुई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते चले जाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, अट्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं। तो इसे ऐसे बोला जाता है व्हेन ए इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, अगर ये प्लेट पॉजिटिव है इसके हिसाब से तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और आपको भी पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होकर के इधर आएगा तो आप सबको पता है कि सर्किट में फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपका मूव होता चले जाएगा और एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिससे कि सर्किट में करंट फ्लो करेगा, जिसके बारे में हमें एमीटर से पता चलेगा, क्योंकि एमीटर में जो सुई होगी, जैसे कि आपको पता है कि एमीटर होते हैं उस पर ऐसे मेजरिंग करने के लिए ऐसी सुई होती है जो डिफ्लेक्ट करती रहती है, तो यहां से हम उस करंट की वैल्यू को जान पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बनता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जितना ज्यादा सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा यहां पर करंट होगा। यह सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमने ए को पॉजिटिव करा सी के हिसाब से, यानी कि जब ये पॉजिटिव था मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड ए, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आए, ये सबको पता चल गया, और इसकी वजह से फोटो करंट इंक्रीज करा, कब तक, जब तक वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आ। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि सर्किट में करंट बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, ये बढ़ेगा लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक। मतलब मान लेते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला अट्रैक्शन की वजह से वो जल्दी से पहुंचा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला वो भी अट्रैक्शन की वजह से जल्दी से पहुंचा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला मान लेते हैं वो भी अट्रैक्शन की वजह से बच्चों जल्दी से पहुंचा, तो बच्चों एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे एक बारी में पहुंचेंगे, यानी कि सारा चार्ज एक बारी में बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो रहा होगा, समझे, और तब आपका एक करंट मैक्सिमम बन रहा होगा, क्योंकि करंट कौन बना रहे बच्चों, करंट ये इलेक्ट्रॉन बना रहे। तो अगर ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गया तो यहां पर जो सर्किट में करंट है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा जो उसके पास हो। तो यानी कि पहले पॉइंट से हमें कुछ बातें क्लियर हुई हैं, पहले पॉइंट से हमें ये पता चला अभी तक कि जब हमने इसको पॉजिटिव करा तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से हमें सर्किट में करंट देखने को मिला, यानी कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो करंट बढ़ेगा, आप इस बात को नोट डाउन कर ले। अगर एनोड पॉजिटिव होगा, अगर एनोड पॉजिटिव होगा तो सर्किट में करंट बढ़ेगा एक मैक्सिमम वैल्यू, और उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, कि एक मैक्सिमम वैल्यू तक सर्किट में करंट होगा,
उससे ज्यादा नहीं हो सकता। राइट, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसी बच्चों फिर जब मैंने इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, ऐसी जब मैंने इसको नेगेटिव दिया यानी कि ये पॉजिटिव हुई होगी, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मुझे सोच के बताओ कि जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसे नेगेटिव करा तो इस नेगेटिव यहां जाने से रिपेल। अब मैं आपको एक थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो अब मुझे ये सोच के बताओ कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचेगा तो क्या ये सर्किट में करंट फ्लो करेगा बच्चों? सोचो, नहीं करेगा, सर्किट में करंट भी नहीं फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहीं तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो सर्किट में भी करंट नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि जब हमने एनोड को नेगेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब जब हमने इसको नेगेटिव करा, तो रिपल्शन की वजह से हमने ये देखा कि सर्किट में अब जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये रिपेल हो जा रहे हैं, इधर नहीं आ रहे, ये देख रहे हैं अरे नेगेटिव और पीछे, यानी कि प्रोसेस कुछ ऐसे हो रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसने देखा सामने अरे नेगेटिव, तो चलो पीछे की तरफ, कुछ ऐसे। तो रिपल्शन के कारण अगर ये यहां नहीं पहुंचेगा तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट में करंट भी नहीं होगा और सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट में लिखा है बच्चों। जब हमने ए को नेगेटिव करा सी के रिस्पेक्ट में, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो रहे हैं, वो रिपेल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेट्स रिपेल्ड बाय कलेक्टर, कलेक्टर ठीक है, इससे वो रिपेल हो रहे हैं। हेंस फोटो करंट डिक्रीज ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑन ए। और ऐसे हमने देखा कि हम जितना ज्यादा यहां पर नेगेटिव बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर धीरे धीरे करके वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो रिपेल होता जाएगा, और इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन ए तक नहीं पहुंच पाएगा और फोटो करंट जीरो हो जाएगा। यानी कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो सीधी सीधी दो बातें देखी। सबसे पहली बात यह देखी कि अगर आप इसे प्लेट को पॉजिटिव करेंगे, अगर आप इस प्लेट को पॉजिटिव करेंगे तो अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सर्किट में, करंट भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है एनोड पोटेंशियल की, तो सर्किट में करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक होगा, बहुत ज्यादा। और अगर हम एनोड को नेगेटिव कर दें तो हमने ये देखा कि इसको नेगेटिव करने से रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है दोनों पॉइंट? अगर ये पॉजिटिव होगा तो करंट होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो नहीं होगा, सीधी बात ही है। इसके अलावा बच्चों, हम यहां पर कितना नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करें जिससे कि करंट जीरो हो जाए, मेरे सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जब हमें ये पता चला कि यहां पर नेगेटिव करने से रिपल्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हमने इस बात को ऐसे बोला कि हम यहां पर इस एनोड के पोटेंशियल को कितना नेगेटिव करें जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन को वहीं रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, ऐसे पोटेंशियल को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। क्या बोला? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पोटेंशियल को कहते हैं जो कि हम इस प्लेट को देने वाले हैं एनोड को। आपको भी पता है वो नेगेटिव होगा तभी तो उसे वहीं रोकेगा, पानी नहीं देगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबसे पहली बात तो एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और वो पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि सर्किट का करंट जीरो हो जाता है। ये लिखा हुआ है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल में, देखिए पढ़िए। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रुक जाए, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने से कंप्लीटली रुक जाए, सर्किट का करंट पूरी तरह से खत्म हो जाए,
ऐसे पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे टर्म भी यहां पर बनाए। तो अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों सिर्फ हमने चार पॉइंटों के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। चलिए एक बार इस एक्सपेरिमेंटल चीज को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि इस एक्सपेरिमेंट में एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने करा तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि सिर्फ एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, एक फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं। इस बात को पॉइंट आउट कर लो अच्छे से कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर हम एनोड की प्लेट को पॉजिटिव करें तो सर्किट में अट्रैक्शन बढ़ने के कारण करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम इसे नेगेटिव करें तो बच्चों रिपल्शन के कारण सर्किट का करंट धीरे धीरे खत्म होता चलेगा। क्लियर है बात? आसान है। इसके अलावा हमने जो फोर्थ पॉइंट पे बात करी वो ये करी कि यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल हमने डेवलप करा जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, स्टॉप कर देगा है, क्योंकि वो उसे रिपेल कर देगा, रोक देगा। तो इस चार बातों के साथ कौन कौन सी, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, चार बातों के साथ आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के जो मेन बातें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करी। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, उसे ध्यान से दिमाग में रखिएगा बच्चों। जो मैंने अभी आपको बोला, मैंने कहा कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव होगा तो सर्किट का करंट बढ़ेगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक, अगर ये प्लेट नेगेटिव होगा तो सर्किट का करंट धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों अगर मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ बनाऊं जो कि एग्जाम में आपसे कई बार टीचर पूछेगा कि बताइए फोटो करंट कौन सा होता है बच्चों, जो इस एक्सपेरिमेंट में करंट बनेगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और फिर सर्किट में रिवॉल्व करेगा, तो यहां पे सर्किट में जो करंट बनेगा उसे फोटो करंट कहेंगे, इस सर्किट के करंट को फोटो करंट कहेंगे। और ये है आपके एनोड पोटेंशियल का ग्राफ, एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बच्चों। तो आप सबको बताएं कि अगर मैं आगे की तरफ बढ़ू तो ये पॉजिटिव नंबर, आप सबको पता है कि ये लाइन पॉजिटिव होती है और ये पीछे की लाइन नेगेटिव होती है बच्चों। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि अगर मैं इसे पॉजिटिव करता, यहां पे देखना, अगर मैं इसे पॉजिटिव करता तो सर्किट में करंट बढ़ता है मैक्सिमम वैल्यू तक। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं इसे बढ़ाता, अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल करता तो मेरे सर्किट का जो करंट है वो बढ़ता रहे एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसे कहते हैं, देखिए लाइन सीधी हो गई, इसका मतलब है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। तो एक मैक्सिमम वैल्यू का करंट पहुंच जाता है जो कि मैंने यहां पे मार्क कर दिया। और अगर मैं इसे पीछे की तरफ लाता मतलब नेगेटिव, तो अभी मैं आपको सिखा रहा था कि अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिव कर दूं तो इस प्लेट को नेगेटिव कर देने से सर्किट में करंट धीरे धीरे खत्म हो जाता, जीरो हो जाए। तो अगर मैं इसे नेगेटिव लिया हूं तो सर्किट का करंट धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा। आप देखिए वाई का वैल्यू धीरे धीरे एक्स पर आ गया, इसका मतलब वाई का वैल्यू यहां पर जीरो और वाई पर क्या है करंट। तो ये है आपका जो मार्क हो रहा है, ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल को वी से दिखाते हैं, अब क्योंकि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसलिए हम वी नॉट से दिखाते हैं, वी नॉट इट स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी नॉट होता है, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब क्लियर? तो हमने जो यहां पर ग्राफ करंट देखा, यहां पर जो हमने करंट देखा और यहां पे जो हम पोटेंशियल सेट कर रहे हैं, अगर करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा, यानी कि फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने चार बातों को डिस्कस करा और इन चार बातों के बिहाफ पर आप देखिए मैंने ग्राफ को यहां पर ड्रॉ कर, क्लियर हुई ना आपको? इतनी आसान सी बात है, क्लियर बात है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों,
ये इलेक्ट्रॉन यकीनन जब आ रहा है, मतलब ये जब किसी गति से आ रहा है, आप देख रहे हैं किसी गति से आ रहा है, तो गति की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और आपको भी पता है कि ये जो प्लेट है, एनोड प्लेट है, अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव है तो अभी अभी हमने देखा कि नेगेटिव होने से ये रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, क्योंकि इस पे जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेट हो जाएगा जो उसे आने नहीं देगा। तो ये जो प्लेट है ये कितना वर्क करेगी जिससे कि ये रुक जाए, कैसे निकालेगी चीज बच्चे? तो सीधी सीधी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना कि वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते थे इस फॉर्मूले को, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क। तो ये जो वी नॉट है इसे निकालने का फॉर्मूला है, इसे निकालने का फॉर्मूला है कि आप काइनेटिक एनर्जी को E से डिवाइड कर दो तो आपका V नॉट आ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने, एंड V नॉट स्टैंड फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट को क्या कहेंगे हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंटल बातें इस लेक्चर में करी, और उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा आपका काम है कि मैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर करूं, बार बार दोहरा के करूं ताकि आपके दिमाग में डाउट ही ना रहे। दोबारा सुनिए बच्चे इस पूरे लेक्चर को। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, आप एक फोटोन से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस एनोड को पॉजिटिव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और सर्किट का करंट बढ़ेगा, बढ़ने से वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ये था हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसे नेगेटिव करती हैं प्लेट को तो रिपल्शन की वजह से ये यहां नहीं पहुंचेंगे, जिससे कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा और सर्किट का करंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि अब सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। यानी कि जब आप नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे तो ये ग्राफ जीरो पे आ जाएगा, यहां क्लियर है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है हमारा तीसरा डेफिनेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ये क्या होती है? कितना एनोड में नेगेटिव पोटेंशियल बनाए कम से कम जिससे कि सर्किट का करंट जीरो हो जाए, इससे कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला हमने देखा कि फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू के बराबर ई। इतनी बात आपको क्लियर होगी, आसान है से इतना। यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन ला सकता है अपने साथ, इससे ज्यादा नहीं ला सकता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को चार से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। और एक बात अच्छे से याद रखना कि किसी भी न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग पोटेंशियल को नेगेटिव करके बोलना है। जैसे आपका आंसर आ रहा होगा मान लेते हैं यहां से 5, तो आपको बोलना है -5। रीजन बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिपोर्टिंग आपको नेगेटिव पोटेंशियल में करनी है। क्लियर हुई है बात आपको? आसान। और ग्राफ मैंने अभी आपको साथ के साथ रिकॉल करवाया कि आप कैसे इस चीज को बोलेंगे। क्लियर? अब मैं आपको यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के कुछ और ग्राफ भी क्लियर करता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ क्लियर कराया, अब मैं आपको और भी ग्राफ क्लियर करता हूं जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार अगर ऐसे हो जाता तो फिर हमने क्या देखा होगा। तो चलिए उन ग्राफ को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ कभी भी पेपर्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हम यहां पर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखा, अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमने बच्चों अभी तक ये देखा कि अगर हम यहां पर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो सर्किट में करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे पहले देखा। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि फोटोन के नंबर बढ़ाने को इंटेंसिटी कहेंगे, तो अगर मैं यहां पर आप मान के चलिए कि अगर संख्या बढ़ा दो फोटोन के आने की, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 3 करके आ रहे हैं,
मैं कहता कि मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होगा बच्चों कि अब मैं यहाँ पर जो है फोटोन की संख्या बढ़ा दूंगा। देखो अब एक फोटोन यहां से भी आने शुरू हो जाएंगे इस वाली प्लेट पे, तो अब कितने फोटोन आ रहे हैं मेटल की प्लेट पे, 1 2 3 4 चार फोटोन आ रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब मैं पहले भी बता चुका था कि फोटोन को बढ़ाओ, फोटोन की संख्या बढ़ाओ। तो बच्चों अगर मैं आपसे सीधे सीधे तौर पे बात करूं कि यार अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता तो क्या होता, तो बच्चों अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता तो उसकी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते, नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाते, इंक्रीज हो जाते। ऐसा निशान होता है इंक्रीज का। अब आप इसकी जगह पे या तो इंक्रीज लिख दो या ऐसे लिख दो बात एक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और अभी मैं आपको समझा रहा था कि एक फोटोन अपने से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना भी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वैसे तो इनका अच्छा सा जो नाम है जो अच्छा लगता है सुनने में वो फोटो इलेक्ट्रॉन है। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को हम क्योंकि ये इस एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहे हैं बच्चों इसीलिए इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, और दूसरा फोटोन की वजह से निकल रहा है इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और आपको भी पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो सर्किट में फिर करंट भी बढ़ेगा जैसे कि अभी हम बोल रहे थे। तो हमने ये देखा कि बच्चों अगर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा आपका फोटो करंट होगा, यानी कि फोटो करंट भी बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और फोटो करंट भी बढ़ेगा। इंक्रीज की जगह आप ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर आप ग्राफ बनाते इंटेंसिटी का और अगर आप ग्राफ बनाते फोटो करंट का तो आपको पता चलता कि स्ट्रेट लाइन। रीजन जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और उतना ही ज्यादा करंट, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो दूसरा जो हमने एक्सपेरिमेंटल चीज को देखा वो ये देखा कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाहर से जो कि रेडिएशन आ रही थी अगर मैं उसे बढ़ाता हूं, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो मुझे क्या दिखेगा। तो जवाब है इंटेंसिटी बढ़ा देने से आपके सर्किट का करंट बढ़ेगा बच्चों, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा। दूसरी बात भी क्लियर हो गई आपको। अब हम इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, यानी कि तीसरे ग्राफ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। ये मैंने आपको दूसरा ग्राफ सिखाया कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट भी आपका बढ़ना शुरू हुआ, ये भी हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगली बार हम लोगों ने क्या किया। जैसे कि मैं अभी आपको सिखा रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ने से, जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे थे, है ना, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा करंट बढ़ रहा था बच्चों। अगर मैं इसकी जगह पर, ये पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया, अगर मान लो इसकी जगह पर मैं क्या करता, ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर मैं चेक करता कि इस रेडिएशन की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो क्या होता, तो जवाब सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता, तो यार ये फ्रीक्वेंसी अगर मान लो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, आप सबको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच एफ।
अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, हमने पहले भी ये फॉर्मूला डिस्कस करा है लेक्चर वन में आपको पता है। तो बच्चों अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी फोटोन की, यानी कि फोटोन अब जो है और ज्यादा एनर्जेटिक होगा, और अगर फोटोन एनर्जेटिक होगा, अगर फोटोन एनर्जेटिक होगा तो मैं आपको पहले भी एक चीज समझा रहा था, वो मैंने समझाई थी कि फोटोन की एनर्जी दो भागों में बटती है, एक वर्क फंक्शन में बटती है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में बटती है, एक वर्क फंक्शन में बटती है और एक काइनेटिक एनर्जी में बटती है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका। तो अगर आप ये समझें कि फोटोन की एनर्जी बढ़ने से, फोटोन की एनर्जी बढ़ाने से, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपको पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर ये एनर्जी दो जगह जाएगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि वर्क फंक्शन तो सिर्फ एटम के साइज पर डिपेंड करता है, ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि ये तो एक फिक्स वैल्यू होती है, ये जितनी है हमेशा उतनी ही रहती है। अगर इस मेटल की वर्क फंक्शन है मान लेते हैं 5, इसकी वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इस वर्क फंक्शन है इस मेटल का तो वह 5 ही रहेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में कि वर्क फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एटम के साइज पर। तो आपका जो वर्क फंक्शन है वो सिर्फ एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है, यानी कि इसकी वैल्यू तो नहीं बदल सकती, ये तो फिक्स वैल्यू है जी, ये तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो सारी बड़ी हुई एनर्जी किधर जाएगी, काइनेटिक में, यानी कि सारी एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि सारी की सारी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगी, सारी एनर्जी आपकी काइनेटिक में चले जाएगी, तो जितनी एनर्जी बढ़ाएंगे उससे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, तो जब आप बड़ा क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था के इज इक्वल टू की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा सर, सबसे बड़ी बात हमने देखी और वो बात सही भी है। सोचिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इनकी एनर्जी ज्यादा होती, अगर ये बहुत एनर्जेटिक होते, बहुत एनर्जी लेके आ रहे होते, तो ये सीधा इस मेटल के प्लेट पे आ जाते, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेके जो आ रहे हैं इनको रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आप लोग ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, अगर मान लो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो अगर ये ज्यादा एनर्जेटिक हुए तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर भी वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि ये, तो यहां भी हमें साफ साफ पता चल रहा है, जैसे यहां पता चल रहा है ऐसे हमें यहां भी पता चल रहा है कि भाई देखो अगर ये बहुत एनर्जेटिक है तो यहां पर भी आपको जो है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, सीधी बात है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक और बात पता चली कि अगर हम फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ये जो फोटोन आ रहे हैं इनकी हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम इन फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो उससे यहां पर आपको पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो आपको यहां पर पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में कहानी काइनेटिक है जो मैंने यहां सोचा। तो बच्चों अगर मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, आपकी बात किसका फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, ये हो गया बच्चों आपका एनोड पोटेंशियल का ग्राफ, और इसके साथ सिलेक्ट करने वाले हैं आज हम फोटो करंट को। तो बच्चों पहली बात तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, आप समझना मेरी बात को, ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, बट मैंने पहले भी समझाया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा
जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगा और पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब इस वाले की फ्रीक्वेंसी और इस वाले की फ्रीक्वेंसी में पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मैंने यहां पर आपको समझाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाई मैंने आपको कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव होती है, इसलिए आपको भी पता है कि ये ज्यादा नेगेटिव है तो डेट मींस इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों बोर्ड के पेपर में, एग्जाम में, कंपटीशन में मिलते हैं, जिसमें आप ये देखते हो कि इस तरह के ग्राफ बनाए हुए होते हैं। तो आपको वहां पर लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि जिसका स्टॉपिंग ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अब आप देखिए कि लगभग लगभग इसका जो दोनों का करंट है वो यहां आ गया, मतलब दोनों की एक सेम वैल्यू हो जाती है, दोनों में एक सैचुरेशन रहता है अगर आप ध्यान से देखें। तो मैंने इनको, अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने इनके करंट अलग अलग क्यों नहीं बनाए, तो उसका जवाब यह कि करंट तो फोटोन की संख्या पर डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी का फैक्टर था, तो अभी मैंने इंटेंसिटी को नहीं चेंज करा, इसलिए मेरे इनके जो करंट है वो सेम हो जाए। क्लियर है आपको इतनी बात? आसान हुई ना आपको इतनी बात? अगर बच्चों मान लेते हैं कि मैं, ये तो मैंने एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करा, मान लो अगर मैं आपसे ये कहता कि चलिए मैं यहां पर, अभी आपने देखा कि मैं यहां पर एनर्जी बढ़ा रहा था क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी। मान लो अगर कोई आपसे पॉइंट पूछता कि चलिए ये बताइए कि अगर आप ये सब ना करते, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाते, स्टॉपिंग नहीं बढ़ता, अगर ये सब नहीं करते, इंटेंसिटी बढ़ाते सिर्फ, तो क्या फर्क आता स्टॉपिंग पे? तो इसका जवाब ये होता कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सिर्फ, अगर आप सिर्फ क्या बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी, अगर आप सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपको भी पता है इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन बढ़ेंगे और फोटोन के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ेगा और फोटो करंट बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपका फोटो करंट बढ़ेगा। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ आपका करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से मैंने पहले भी समझाया है आपको लेक्चर वन के अंदर, आप इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर वन को भी देखें, उसमें मैंने आपको बहुत आराम से एक बात समझाई थी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब ये सब होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से मैंने आपको वहां समझाया है कि एनर्जी नहीं बढ़ती। इंटेंसिटी बढ़ाने से, या तो इस बात को आप दिमाग में रख लो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी जो है फोटोन की वो नहीं बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ करंट बढ़ता है। यानी कि अगर आप एक ग्राफ बनाना शुरू करें, किस किस के बीच में बच्चों, एनोड पोटेंशियल के बीच में और फोटो करंट के बीच में अगर आप ग्राफ बनाना शुरू करें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि करंट तो इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेगा। तो अगर आपसे आपके टीचर पूछते कि बताइए अगर करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाते, तो इसका जवाब यह है कि अगर आप करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाते तो आपका जो करंट है वो तो बढ़ता। इसका देखो ये रहा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रही होगी
और इसकी इंटेंसिटी कम रही होगी क्योंकि इसका करंट यहां पर है, देखो ये वाला इसका यहां पे आ रहा है बच्चों, तो ये इंटेंसिटी वन है, ये इंटेंसिटी टू है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा, तो आप देखें ये वैल्यू ज्यादा है, तो जिसका करंट ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो दोनों का सेम आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम आएगा। इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे ये बातें जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ इनके क्या बदलेंगे, करंट बदलेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती है। और अगर एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो इससे पहले अभी सिखा रहा था कि एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, अगर एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर करंट और पोटेंशियल का बनाई ऐसा बनेगा अगर इंटेंसिटी बढ़ा गया। क्लियर है तेरी बात? आसान है। इस लेक्चर में हम लोगों ने अगर बात करें तो बच्चों 4-5 ग्राफ की बात करी है, मैं आपको फटाफट से रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले हमने जो बात करी है वो कुछ पॉइंट्स को लेके करी है। देखिए हमने बोला कि अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो जवाब था इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, जवाब था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा सारे ग्राफ। इसके बाद मैंने बात करी कि अगर मैं इसकी एनर्जी बढ़ा दूं फोटोन की है जो आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जवाब है यहां पे ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा आपको यहां पर भी देना पड़ेगा पोटेंशियल, ठीक है? तो यहां हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपको यहां पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है बात? आसान है। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर हमारा जो है खत्म हो जाता है। और इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है बात करी है जिस चीज की, वो था एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब आप बच्चे आराम से इसे नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इसे सीखे। हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलों की।